एशियन गेम्स में भारत ने इतिहास रच दिया है। भारत ने अब तक 100 मेडल जीते हैं, तो वहीं एशियन गेम्स में भारत को 25वां गोल्ड मिला है। महिला कबड्डी में भारत ने गोल्ड मेडल जीता, चीनी ताइपे को हराकर गोल्ड मेडल जीता है भारत ने। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और भारतवासियों के लिए खुशी की खबर, महिला कबड्डी में भारत ने गोल्ड मेडल जीता। और इसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी है और ट्वीट भी किया है। ये ट्वीट आपको पढ़ाते हैं, एशियाई खेलों में भारत के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि। प्रधानमंत्री मोदी का ये ट्वीट आया है, बधाई दी है उन्होंने। तो एशियाई खेलों में भारत के लोग इस बात से रोमांचित हैं कि 100 पदकों की उल्लेखनीय उपलब्धि तक पहुंच गए हैं। और अब आपको पढ़ाते हैं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का भी ट्वीट। तो आपको बता दें कि खेल मंत्री अनुराग ठाकुर का भी ट्वीट सामने आया है, उन्होंने भी बधाई दी है और साथ ही साथ सिर्फ कहा ही नहीं, करके भी दिखाया है भारतवासियों ने। तो खेल मंत्री अनुराग ठाकुर का ये ट्वीट आया है, मेडल्स की बौछार हुई है, अब की बार 100 पार हुए हैं मेडल्स। तो ऐसा प्रधानमंत्री मोदी का भी आपको ट्वीट पढ़ाया, साथ ही साथ खेल मंत्री अनुराग ठाकुर का भी आपको ट्वीट पढ़ाया। अब आपको बताते हैं स्पीकर ओम बिरला का भी ट्वीट आया है, हैशटैग एशियन गेम्स 2023 में पूर्ण और 100 अभी भी इतनी गिनती जारी है। नए भारत का एक नया मानदंड सजाया है हमारे खिलाड़ियों ने, एशिया में सबसे बड़े मंच पर अद्वितीय ढूंढ संकल्प और कौशल दिखाया है, ऐसा स्पीकर ओम बिरला का ट्वीट सामने आया है। तो लगातार भारतवासियों में खुशी की लहर और बधाई भी आ रही है, ट्वीट के जरिए लोग बधाई दे रहे हैं। तो वहीं स्पीकर ओम बिरला ने लिखा है, गौरवशाली यात्रा का हिस्सा बनने के लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और इसी खबर पर फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं दिल्ली ब्यूरो चीफ राजीव तिवारी। राजीव, क्या कुछ जानकारी देखिए, भारत के लिए बहुत ही गौरव वाला ये पल है और साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, ओम बिरला, इन लोगों ने ट्वीट कर बधाई भी दी है। बिल्कुल, देखिए वास्तव में अगर देखा जाए तो भारत ने एक इतिहास रच दिया है, क्योंकि 72 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत जो है एशियाई खेलों में 100 पदक जीता है। तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है और इसकी खुशी देश में देखने को मिल रही है, चाहे वो राजनेता हो या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। देखिए 10 तारीख को जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन स्वर्ण पदक विजेताओं से मिले मुलाकात करेंगे, जो जानकारी मिल रही है। और अभी देखिए, चाहे स्पीकर ओम बिरला की बात कीजिए या केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर की बात कीजिए, सभी लोग खुशी जाहिर कर रहे हैं क्योंकि 72 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत इतना पदक जीता है, क्योंकि इससे पहले भी भारत पदक जीतता रहा है, लेकिन इस बार कहा जा सकता है भारत के लिए स्वर्णिम काल है और एक नया इतिहास भारत ने रचा है। 25 जिसमें देखिए सबसे बड़ी बात है कि 25 गोल्ड मेडल जीते गए हैं, तो यह भारत के लिए सबसे खुशी की बात है, 100 मेडल में 25 गोल्ड मेडल जीते गए हैं। तो कहा जा सकता है कि अब इसके पहले भी तमाम खेल खेले गए, एशियन गेम्स हुए, लेकिन इतना पदक नहीं जीता गया था, तो 100वां पदक जो जीता गया इसकी खुशी पूरे देश में देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल राजीव, देखिए भारत ने अब तक 100 मेडल जीत लिए हैं, गौरव वाला ये पल है। और साथ ही साथ आपको बताएं, जो एशियन गेम्स में भारत को 25वां गोल्ड मिला है, तो अपने आप में ये एक खुशी का माहौल भी पूरे भारत में बना हुआ है। अब बिल्कुल देखिए, जो कहा जा सकता है कि अभी तक जैसे कि गोल्ड मेडल किस तरह से इतना नहीं मिलता था, 25 गोल्ड मेडल मिले हैं और पूरे जो अगर कांस्य की बात कीजिए, सिल्वर की बात कीजिए, तो ये जो सारे जोड़ करके अगर देखा जाए तो 100 जो पदक मिले हैं इसको लेकर के सभी लोग खुशी जाहिर कर रहे हैं। और अभी तक कहा जा सकता है कि जिस तरह से दुनिया के तमाम देश खेल में आगे अपना परचम लहरा रहे थे, खास करके यूरोपियन कंट्री के जो देश होते थे, लेकिन अब भारत एशिया गेम में जिस पर भारत ने जो परचम लहराया है, इसका मैसेज दुनिया के तमाम देशों में जाएगा। अभी एक राजनेता से बात हो रही थी, उनका कहना था देखिए देश में अमृत काल चल रहा है और इसलिए देश में जो कुछ भी हो रहा है सब कुछ बहुत ही अच्छा हो रहा है और इसको इसी क्रम में मान करके देखना होगा
कि देश में अमृत काल चल रहा है, आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और यह जो 100 पदक जो जीता है खिलाड़ियों ने, यह भारत के लिए गौरव का विषय है, गौरव की बात है। और वास्तव में भारत के जो खिलाड़ी हैं उन्होंने अपना परचम दुनिया में लहरा दिया है, दुनिया को बता दिया है कि बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका।